हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले हम कम से एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है। तो स्टूडेंट्स, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर है या तीन नंबर है कोई भी, तो उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है, और वो भी उनमें बड़े से बड़ा, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वही हमारा उन दो या तीन जो भी नंबर्स होंगे उनका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा जो उनके अंदर कॉमन भी हो और उनका मल्टीपल भी हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं कि हमारा एग्जांपल सपोज करो एक्स की क्वेश्चन है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों टर्म निकालनी है, ठीक है। तो जो हमारा एचसीएफ होता है बच्चों, वो ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके, और जो एलसीएम होता है वह वो नंबर होता है जो सभी नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बच्चों बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि भी एचसीएफ से सारे नंबर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, और एलसीएम से, एलसीएम वह नंबर होता है जो सभी नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इन तीनों के अंदर ऐसी कौन सी टर्म है जो इन तीनों को इजीली डिवाइड कर देगी? तो बच्चों, जिसकी सबसे छोटी पावर होगी और जो सब में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें देखो, x की पावर 5, x की पावर 4 और x की पावर 3, तो सबसे छोटी पावर किसकी है? x की पावर 3, और यही हमारा एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को इजीली डिवाइड कर सकता है। क्योंकि अगर हम x की पावर 5 लेते हैं तो x की पावर 5 को तो डिवाइड कर देगा, लेकिन 4 और 3 को इजीली डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। ऐसे ही x की पावर 4 के अंदर है, लेकिन x की पावर 3 हमारा एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को इजीली कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब बात की जाए एलसीएम की, तो हमारा एलसीएम क्या होगा? तो बच्चों यही बात इससे उल्टी होती है, जो सबसे बड़े से बड़ा नंबर होता है या जो सबसे बड़े से बड़ी पावर होती है वही हमारी एलसीएम होती है। तो इसके अंदर हमारा एस की पावर 5 है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि एलसीएम हमारा वह नंबर होता है जो उन सभी टर्म से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। अगर इसमें हमने छोटा ले लिया तो x की पावर 5 से डिवाइड नहीं होगा, x की पावर 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए x की पावर 5 हमारा वह नंबर है जो इन तीनों का एलसीएम है, और ये इजीली इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, एचसीएफ के अंदर स्मॉलेस्ट पावर एचसीएफ होता है, और एलसीएम के अंदर लार्जेस्ट जो पावर होती है वही हमारा एलसीएम होता है। अब हम और 6 दो नंबर है, अगर बात की जाए इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताओ। तो एचसीएफ क्या होता है? ऐसा वह नंबर बताना है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और बड़े से बड़ा भी हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़े से बड़ा हो। अब एक चीज देखो, इसके फैक्टर कर लिए 2 गुणा 2, इसके फैक्टर कर लिए 2 गुणा 3, ठीक है। तो इन दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसे कितने नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? तो बच्चों देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इट मीन्स 2 ही एक हमारा ऐसा कॉमन नंबर है जो 4 और 6 को डिवाइड कर सकता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें? 2। और अब अगर बात की जाए एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होगा बच्चों? मैंने बताया था जिसकी पावर ज्यादा होगी। अब यहां पर 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, और ये 3 की पावर 1 है। तो मैंने बताया था जो कॉमन नंबर भी हो और उनमें से जो बड़ी पावर होगी पहले हम वही लेंगे। तो यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, तो इन दोनों में से हम क्या लेंगे? जो बड़ी पावर है 2 की पावर 2 गुणा में, अब जो हमारा जो नंबर बच गया वो भी हम एलसीएम के अंदर साथ ही लेंगे, तो 3 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, इट मीन्स 12 हमारा 4 और 6 का क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब इसमें चेक भी कर सकते हैं, मैंने बताया था कि एलसीएम हमारा वह नंबर होगा जो इन दोनों नंबरों से
कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब कंप्लीटली भाग हो जाएगा। तो चार तीये 12, 6 दुने 12, इट मीन्स 12 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो बच्चों यहां से हमारा एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो रहा है। देखो क्या होगा कि भी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन पहले नंबर और दूसरे नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पर सपोज कर हमारे यही दो नंबर है, 4 और 6, ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 2, एलसीएम क्या होगा, 12। तो 2 × 12 किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, 4 और 6 नंबर हमारा पहले और दूसरे नंबर है। तो 12 × 24 बराबर है 12 × 24। इट मीन्स हमारा एक फॉर्मूला भी यहां से क्रिएट हो गया कि भी पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। देखो स्टूडेंट, आज का हमारा जो पहला नंबर है, HCF of HCF and LCM of two number is 30 and 2310। कि भी कोई दो नंबर है उनका HCF और LCM दे रखा है, HCF दे रखा है 30 और LCM दे रखा है 2310। If one number is 210, कि भी उसका पहला नंबर जो एक है वो 210 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो बच्चों मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम दे रखा है, HCF दे रखा है और हमें पहला नंबर दे रहा है, दूसरा नंबर निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो इसी फॉर्मूले में। पहला नंबर क्या दे रखा है, 210, सेकेंड नंबर हमने सेकेंड ही मान लिया, उसको एक्स भी मान सकते हैं, HCF 30 दे रखा है 2310। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे, यहां मल्टीप्लाई का उस साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, 30 × 2310 भाग में 210, 0 से 0 21 से कट जाएगा बच्चों, 21 से कम 21, ये कितना हो जाएगा 330, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये क्या आ गया हमारा सेकंड नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कई बार क्या करता है कि भी हमें एचसीएफ अकेला दे देता है, दोनों नंबर दे देता है और उनका एलसीएम पूछ लेता है। तो बच्चों फॉर्मूला हमारा सेम यही रहेगा कि पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो एक क्वेश्चन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये एसएससी एलडीसी के अंदर आया हुआ है, जो कलर का एग्जाम होता है सेंटर के अंदर। एचसीएफ ऑफ टू नंबर 130 और 364 इज 26। क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है 130 और 364, उनका एचसीएफ दे रहे क्या 26। फाइंड द एलसीएम ऑफ दैट नंबर, तो उनका एलसीएम बताओ। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ठीक है। अब जिन जिन की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 130, सेकंड नंबर 364, एचसीएफ दे रखे 26, एलसीएम हमें निकालना है। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 130 गुणा में 364 भाग में 26 बराबर एलसीएम। इसको जहां तक कट सकता है, अब ये 13 से कट जाएगा, 13 × 26 और ये 10 पे, ये 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4। इट मीन्स क्या हो बच्चों, एलसीएम हमारा आ जाएगा 1820 और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो बिल्कुल इजी क्या है, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3, कि भी कोई भी हमें दो नंबर है उनका रेशियो दे रखा, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं है, उनका रेशियो दे रखा 2:3, उनका एचसीएफ है 15, तो बताओ वो नंबर क्या होंगे। तो बच्चों तो बिल्कुल इजी है कि हमें ये पता है एचसीएफ क्या होता है, कोई भी जो नंबर्स होते हैं उनके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब कि 2:3 दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो यदि हम एचसीएफ को इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि हमारा जो एचसीएफ होता है वही तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है और जो बड़े से बड़ा होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 15 × 2 = 30 और 15 × 3 = 45। तो बच्चों जो भी नंबर हमारे जो अभी यहां हमारे 30 और 45 आए हैं, अगर इनका हम रेशियो भी देखना चाहेंगे तो एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 2:3 ही आएगा। तो इसका मतलब
यदि हमें कोई भी नंबर दे रखे 2:3 में, अगर उनका एचसीएफ 15 है तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे 30 और 45। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। एक यहीं से क्वेश्चन बनता है जिसका हम फॉर्मूला निकालेंगे कि सपोज करो हमें किन्हीं भी दो नंबरों का रेशियो दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है और उसका एलसीएम पूछ लिया जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो बच्चों उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई उन नंबर्स का रेशियो का मल्टीप्लाई, मतलब ए इंटू बी, और ए और बी क्या है बच्चों, उन नंबर्स का रेशियो। ठीक है, अभी हम चेक भी कर सकते हैं यहां पर। अब हमारे पास एक चीज देखो, हमें नहीं पता भाई वो नंबर्स क्या है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्मूले को पुट करके बता रहा हूं मैं कि हमारे पास एचसीएफ है 15। ठीक है, उन नंबर्स का रेशियो क्या है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, हमें निकालना क्या है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15 × 30 और 30 × 90। तो बच्चों यहां से हमारा एलसीएम क्या आया 90। ठीक है, अब अगर हमें वो पहले वाले क्वेश्चन में ही देखें कि भी वो नंबर्स क्या थे, तो नंबर हमारे पास क्या निकला है 30 और 45, ले तो बिल्कुल बच्चों सेम होगा 90। इनका भी एलसीएम, क्योंकि हमने इन्हीं का तो एलसीएम निकाला है वहां पर, बस हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दिया। अगर हमारे किन्हीं भी दो नंबर का रेशियो दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और अगर बात की जाए किन्हीं भी दो नंबर का अगर रेशियो दे रखा है और एलसीएम दे रखा है तो बच्चों हम यहां से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लेके देखते हैं कि हमारे पास कोई भी दो नंबर उनका रेशियो दे रखा है 2 और 3 और उनका एलसीएम दे रखा है 90, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 90। अब की बार एचसीएफ निकालना है हमें इसी क्वेश्चन से। रेशियो हमारे पास 2 और 3 है बच्चों, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 इस साइड आगे डिवाइड में आ जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा 90/6 है और 21 में चला जाएगा 15 पे। तो इसका मतलब बच्चों एचसीएफ क्या है हमारा 15। तो देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने 3 टाइप हमारी कवर कर ली, तो इन तीनों में से किसी टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है 4, 6, 8, 10, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो बच्चों मैं आपको एक ही मेथड से दोनों चीजें निकालना सिखाऊंगा। ये एक तो हमारा फैक्टर मेथड होता है, ठीक है, एक दूसरा हमारा डिविजन मेथड। तो उससे हम क्या करेंगे कि भी आप सभी ने किया भी होगा जब स्कूल टाइम में थे आप, कि भी हमारे क्या नंबर है 4, 6, 8 और 10। तो सबसे पहले हम उस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और छोटे छोटे नंबर हमारे एक के बाद क्या हो सकता है 2। तो देखो 2 से क्या सभी डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10। तो ये जब तक डिवाइड करने हैं जब तक ये कंप्लीट भाग ना हो जाए। अब एक चीज देखो, सबसे पहला हम इस यहां से हम क्या निकालेंगे इनका एचसीएफ। तो देखो 4, 6, 8, 10 2 से डिवाइड हो रहे हैं कंप्लीटली, तो हमें अगले टर्म भी अगले जो भी नंबर आए वो भी चेक कर लें, क्या ऐसा कोई भी कॉमन नंबर है जिससे सारे नंबर्स डिवाइड हो जाए। अब 2 से डिवाइड करें, 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। इसका मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा बच्चों वो क्या होगा 2 ही होगा। तो यहां से हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, हाँ अगर ये आगे किसी भी हो सकता है 3 से जाते तो चेक कर लेते, 3 से भी 2 नहीं जाएगा। तो अगर एक नंबर भी नहीं जाएगा इसका मतलब 2 ही एक ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन सभी चारों नंबर्स के अंदर। ठीक है, अब बात की जाए कि एलसीएम निकालना है। हाँ, एलसीएम निकालने के लिए तब तक हम इनको डिवाइड करते हुए चलेंगे जब तक इनमें से कोई भी दो नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हुए चलेंगे। तो अब देखो इसके अंदर हम 2 से दोबारा डिवाइड करते हैं, तो 2 × 1 = 2, 3 नहीं जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 2 × 4, 5 × 1 = 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे हम और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे जो भी नंबर्स बच जाएंगे उन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ चाहे तो कर सकते हैं हम 3 का डिवाइड करें, 1 का 1, 1, 2 का 2, 5 का 5, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करें 1, 1, 1, फिर 5, 5 से डिवाइड करें 1, 1, 1, 1 और 1। तो बच्चों वो फर्क वाली बात नहीं है, वो हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं, मतलब आप हमें ये पता है तीनों नंबर सिर्फ एक और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो वहां पर हम इस चीज को
छोड़ सकते हैं, बस हमें करना क्या होगा इन सभी का मल्टीप्लाई, जो हमारा क्या होगा बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसके अंदर, दो गुणा तीन गुणा में दो गुणा पांच। अब इन सब का मल्टीप्लाई, दो दुणे चार, चार तीन बारह, बारह दुणे चौबीस, चौबीस पंजू 120। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा बच्चों, चार छ आठ और दस का एलसीएम 120। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा वह नंबर होता है जो इन सभी टर्म्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और एलसीएम हमारा वह नंबर होता है जो इन सभी टर्म्स से कंप्लीटली खुद डिवाइड हो जाए। तो 120 हमारा 24, 32 और 36 हमारे कोई तीन नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम एक ही वही हमारा डिविजिबल मेथड से ही क्वेश्चन को करेंगे, 24, 32 और 36। तो सबसे पहले तीनों नंबर किससे भाग जा सकते हैं, दो से, बारह पे, फिर ये 16 दुणी 32 और ये 18 दुणी 36। अब ये दोबारा से दो से भाग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, दो छिके 12, दो आठे 16, दो निमे 18। तो अब एक चीज देखो बच्चों कि अगला ऐसा कोई नंबर है जिससे तीनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, नहीं बच्चों ऐसा कोई भी नहीं होगा। दो से छह और आठ हो जाएंगे बट नौ नहीं होगा, तीन से सिर्फ अकेला नौ होगा, ये दो नहीं होंगे। इट मींस क्या हुआ, जो हमारा एचसीएफ क्या होगा, दो गुना दो, एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटो बच्चों, टू क्रॉस टू। इट मींस जो चार एक ऐसा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों नंबर्स को भाग कर सकता है, उसके बाद ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा जो इन तीनों को भाग कर सके, ठीक है। लेकिन अब एलसीएम के लिए हम इनको आगे भी डिवाइड कर देंगे जितने तक ये जा सकते हैं, दो से फिर से तीन चार और नौ, अब ये तीन से डिवाइड करो, एक चार और तीन। अब ऐसा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसे कोई भी दो टर्म भाग होती हो, तो हम इन सभी का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या हो जाएगा, टू क्रॉस टू क्रॉस टू, तीन बार दो गुणा में है और दो बार तीन और गुणा में चार, इन सभी का मल्टीप्लाई, दो दुणी चार, चार दुणी आठ, आठ तीय चौबीस, चौबीस तीय बहत्तर और बहत्तर चौके 288। तो बच्चों 24, 32 और 36 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 288। और एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, चार। तो इस प्रकार से भी हम किन्हीं भी नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम एक अलग मेथड से करते हैं, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था उससे भी निकल जाएगा, बट हो सकता है ये वाला मेथड आपको और भी इजी लगे। तो सबसे पहले जब एचसीएम निकालना है ऐसे दो या तीन चार नंबर्स का, तो सबसे पहले जो छोटे वाले जो दो नंबर हो उनको आपस में डिवाइड करें। 1560 को यदि हम 1365 से भाग करेंगे तो तब तक भाग करना जब तक इसका शेषफल जीरो ना आ जाए, रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो एक पे जाएगा बच्चों 1365, यहां कितना बचेगा 5, 9 और 1। अब हम क्या करेंगे, 1365 को 195 से भाग देंगे तो ये कितने पे जाएगा, मेरे ख्याल से 7 पे जाएगा, तो 7 पे जाएगा 1365 और ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसका मतलब यदि 195 1755 को कंप्लीटली भाग कर देता है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 195। तो 195 से हम 1755 को भाग करके देखते हैं बच्चों, तो ये जाएगा हमारा 9 पे, कंप्लीटली भाग करेगा बच्चों ये, चेक भी कर लेना आप, तो ये जाएगा 1755 और ये हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। इट मीन्स इन तीनों के अंदर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 195। तो आप एचसीएफ निकालने के लिए इस डिविजन मेथड को भी यूज कर सकते हैं, ये भी इजी रहेगा जब हमारे पास बड़ी टर्म हो, बड़ी टर्म्स के अंदर हम इस क्वेश्चन को इजीली यूज कर सकते हैं इस टाइप को। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5, 6 लीव रिमाइंडर 1 इन ईच केस। क्या कह रहा है कि हमें छोटा सा छोटा वह नंबर बताना है जो जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से यदि भाग दिया जाए तो सभी के केस में एक रिमाइंडर बचे, मतलब एक शेषफल बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर जहां भी
स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर आ जाए तो इसका मतलब सबसे पहले हमें उसका एलसीएम पता होना चाहिए, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना बच्चों, वो हमारा एलसीएम ही होता है जो सभी से भाग हो जाता है, और जिसमें रिमाइंडर बता रखा है तो जितना रिमाइंडर बचना चाहिए वो हम बाद में उसमें ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे एक बार देखो। सबसे पहले किससे भाग करना है, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन तीनों इन सभी नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे हम, 2, 3, 4, 5 और 6 का। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे नंबर से भाग करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 3, 2 पे चला जाएगा 5 और 3। आप कोई भी दो नंबर है जो किसी एक नंबर से भाग हो सकते हैं, बिल्कुल 3, 3, 2 ऐसे नंबर है 3 से भाग हो सकते हैं, 1, 1, 2, 5 और 1, ठीक है। इसके बाद कोई भी ऐसा कोई दो नंबर नहीं है जो किसी कॉमन एक नंबर से भाग होते हो, तो इन सभी का मल्टीप्लाई ही क्या होगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 × 12, 12 × 5 = 60। इट मींस हमारा यहां पर एलसीएम क्या होगा बच्चों, 60। कहने का मतलब क्या, जो हमारा लीस्ट कॉमन नंबर है, जो छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट जो नंबर है, जो 2, 3, 4, 5, 6 से जिसे भाग दिया जाए वह क्या नंबर होगा हमारा, 60। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भी अगर उसको इनसे भाग दिया जाए तो हमारे पास हर बार शेषफल क्या बचना चाहिए, 1। इट मींस अगर 60 के अंदर हम 1 जोड़ दें तो हमारा वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 61 हमारा वह स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से यदि भाग दिया जाएगा तो सभी के केस में 1 जो हमारा शेषफल बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से ही करना है। यदि जहां पर स्मॉलेस्ट या लिस्ट का हम जी लिस्ट की बात की जाए तो वहां पर हमें एलसीएम पता होना चाहिए, यदि कहीं पर लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर की बात की जाए तो वहां पर हम एचसीएफ का यूज करेंगे, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। देखो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था उसमें स्मॉलेस्ट नंबर था, लेकिन इसके अंदर क्या है, लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब हमें क्या है, इनका सभी का एचसीएफ बताना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन एलसीएम वाला किया था उसमें सबसे पहले उनके एलसीएम निकाल के फिर जो रिमाइंडर जो बचना चाहिए था हमने वो उसमें ऐड कर दिया था, लेकिन अब की बार हमने क्या करना है, जब लार्जेस्ट नंबर या एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो हमें ऐसा कौन सा नंबर बताना है जो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, जिसे भाग किया जाए 261, 933 या 1381 को, तो रिमाइंडर बचे 5। तो क्यों ना हम इसको जब एचसीएम निकालते हैं तो बच्चों उसके अंदर हम सबसे पहले इन नंबर से उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, एलसीएम निकालना होगा तो उस रिमाइंडर को हम उस एलसीएम के अंदर लास्ट में ऐड करते हैं, और जब एचसीएम निकालना हो तो इस रिमाइंडर को हम पहले इन नंबर से माइनस कर देंगे और उसके बाद वह बड़े से बड़ा नंबर निकाल लेंगे, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो बच्चों 261, 933 और 1381 में से यदि 5-5 हम माइनस कर दें तो ये क्या होगा, 11 में से 5 गया तो 6, 256, और इधर 5 माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 8, 928, और ये अगर इधर माइनस करेंगे तो मतलब तीनों नंबर से 5-5 को हम माइनस कर देंगे तो ये होगा 7, 1300। इनका एचसीएफ पता चल जाए तो बच्चों जो हमारा एचसीएफ होगा वही हमारा एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा। तो अब इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चों, आप सभी को पता है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था 256, 928 और 1376, 2 से डिवाइड करेंगे कितने जाएगा 128, और ये जाएगा 2 × 8, 2 × 12, 2 × 8, और ये जाएगा 2 × 12, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब जब तक ये ऐसा कोई कॉमन नंबर से तब तक ये तीनों डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम करते चलेंगे। ये जाएगा फिर 64 पे 2, 3, 2, 3, 4, 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 32, 1, 1, 6, 2 से फिर ये होगा 344 पे भाग जाएगा 1, 7, 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये जाएगा 16 पे
और 8 98 और ये हो जाएगा 8 और 6। अभी फिर से 2 से भाग जा रहा बच्चों, 2 8 16 और ये चला जाएगा 29 पे और ये जाएगा हमारा 4 और 3 पे। लेकिन अब इसके बाद देखो 8 29 और 43 कोई ऐसा नंबर है जिसे हम भाग कर सकते हैं, कॉमन नंबर नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इट मींस 32 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो लार्जेस्ट नंबर जो 32, इससे अगर हम 261, 933 और 1381 को यदि भाग देंगे तो सभी में 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर एक बार आप चेक करना भी चाहो तो कर सकते हो, किसी एक नंबर को मैं लेके कर रहा हूं, 261 को यदि 32 से भाग किया जाए तो देखते रिमाइंडर 5 बचता है नहीं बचता, तो कितने पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा हमारा 8 पे, 8 दो 16, असल आगे 8 की 24 और एक 25, तो देखो 261 में से अगर 256 गए तो 5, और ये क्या हमारा रिमाइंडर तो आया, यही तो पूछ रखा है। और ऐसे अगर आप 233 को करोगे तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा, और 1381 करोगे तो भी रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो ये हमारी आज की हमारी फर्स्ट क्लास हुई जो एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 1 है। इसके अंदर जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे।